देखिए छोटे छोटे खिलौनों की बात कर रहे हैं, ये बचपन की यादें हैं हमारी जो अब आपको दिल्ली हाट में ही मिलती है। क्या है ना कि जैसे मैंने कहा कि आजकल तो सब कुछ इतना आधुनिक हो गया है कि हम कहीं ना कहीं अपनी मिट्टी से अपने रूट्स जो है छोड़ते हुए जा रहे हैं। तो यहाँ पर आइए, ये छोटे छोटी चीज़ें लेकर जाइए। कैन यू इमेजिन, दिस इज़ अ मैग्नेट। हम दुनिया भर में कहाँ कहाँ घूमें उनके मैग्नेट्स लेते हैं। एक खूबसूरत सा हारमोनियम होना चाहिए, सितार होना चाहिए, और मुझे लगता है आपके फ्रिज की शोभा और भी बढ़ जाएगी। तो चलिए फ्रिज की बात बाद में करेंगे, आपको लिए चलते हैं रब से है दुआ में, क्या हो रहा है वो बता दें। तुम्हारी अम्मी ने हमें फंसाया, हमारा मुंह काला करवाया। एक गजल को खुद को बचाने का अभी एक और मौका मिलेगा, ऐसा उसे लग रहा है। कि मैं तुम्हें तलाक दे दूं। झूठ और मक्कारी की सारी हदें वो पहले ही पार कर चुकी है, लेकिन अब भी उसे उम्मीद है कि कोई न कोई तो उसकी बात जरूर सुनेगा। हिना माँ जो गजल को अपनी बहू मानती थी, उन्होंने इतना सारा कलेश देख लिया है कि अब उन्होंने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। बेचारी गजल अब अकेली पड़ गई है। पहले हमीदा आई, फिर दुआ आई, तुम्हारी साजिशों के दिन खत्म। रूहान ने भी जो कहना था कह दिया, और अब तो दादी भी आ गई जो कि पहले से ही गजल से नफरत करती थी। एक एक करके सब ने गजल को सुनाया, लेकिन गजल है कि मानने को तैयार ही नहीं है। अपने झूठ को वो सच साबित करने के लिए आज देखिए कितनी दलीलें दे रही है, वो भी सारी झूठी। सब खिलाफ हो गए हैं, जो बेचारी एक थी अम्मी वो कमरे में घुस गई है, अपने आप को बंद कर लिया है। तो अभी गज़ल पूरी कॉर्नर हो चुकी है। तो अब मैंने गज़ल ने झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया है, सोच रही है हैदर एक लास्ट ऑप्शन है जो शायद पिघल सकता है। तो वही अपनी मक्कारी झूठ ये वो सब जो उन्होंने बोला है उन्हीं के अगेंस्ट जाके कि ये वो सब झूठ झूठ बोल रही है, नौटंकी कर रही है, रो रही है, ड्रामा कर रही है, इन शॉर्ट। अब उसे अब भी उम्मीद है कि हैदर उसकी बातों से पिघल जाएगा, लेकिन मैडम ये नहीं जानती है कि पिघलने का कोई मौका नहीं है, क्योंकि सब अब गजल की सच्चाई को जान गए हैं। गजल ने सोचा था हैदर ही एक जो हमेशा ऐसे से करते हैं और हैदर पिघल जाता है, बट इस बार तो हैदर भी मतलब चट्टान की तरह खड़ा है कि भाई मैं नहीं लूँगा, मैं कुछ नहीं करूँगा, मैं तलाक दूँगा तुझे। तो अभी तो अब डर लगी गया है, क्योंकि ये किसी को तो वो करवाने की मेल्टडाउन करने की कोशिश कर रही है गजल, पर अभी देखो कोशिश तो देखो करती रहेगी मरते दम तक। ऐसी सिचुएशन में अब आपको क्या लगता है कि गजल कौन सा रास्ता अपनाएगी? वैसे कुछ भी कहो, इन दिनों ना ये जो सीन चल रहा है, गजल दुआ और हैदर और बाकी के घर वालों के बीच बहुत मजा आ रहा है इन सब सीन्स को देखकर। पर तलाक होगा या नहीं होगा ये है देखने वाली बात। अभी तक आपको मजा आ रहा था देखने में कि भाई तलाक हो जाए इनका, गजल की सच्चाई आए सामने। अभी ये सच्चाई आ गई है, अब ये घर में कैसे टिकने वाली है या कैसे नहीं, क्या होने वाला है ये आपको देखने में बहुत मजा आएगा, इसलिए देखते रहिए रब से है दुआ। एक्ट्रेस की एक्टिंग की तारीफ तो करनी ही पड़ेगी, फिर चाहे हमीदा हो, दुआ हो, गजल हो या हो हिना, सब ने अपना बेस्ट दिया है इस सीन को पूरा करने में। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, बल्कि 5-6 दिनों से ये लंबा सीन शूट किया जा रहा है, और मानना पड़ेगा जिसने इस सीन की कंटिन्यूटी मेंटेन की है उसको तो भाई सलाम करना पड़ेगा। मुंबई से कैमरामैन सुजीत मिश्रा के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। ABP News, आपको रखे आगे।